दोस्तों, मेरी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हम सब लोग कभी ना कभी झेलते हैं, उसको फेस करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और वो प्रॉब्लम है आपके किसी भी ट्रॉली व्हील का जाम होना। जैसे कि आपके सूटकेस के अंदर ट्रॉली व्हील्स लगे रहते हैं, कोई टी टेबल है उसके अंदर सॉल्यू व्हील लगे रहते हैं, वो व्हील जाम हो जाते हैं और जब अपन उसको मूव करते हैं, चलाते हैं आगे पीछे, तो वो जाम हो जाते हैं और चलने में रेस्ट्रिक्शन करते हैं और जमीन पे रगड़ते रहते हैं। उस रगड़ने की वजह से क्या होता है कि वो व्हील घिस जाते हैं पर्टिकुलर जगह से, क्योंकि वो वही वाला उसी वही पोर्शन यूज में आता रहता है, वो फ्रिक्शन पे चलता रहता है और जाम हो जाता है। और उस जाम के कारण वो व्हील घिस जाते हैं और फिर वो आगे भी जो है प्रॉपरली मूव नहीं करते हैं, जंप करेगा आपका ट्रॉली और ठीक से चलेगा नहीं। तो आइए देखते हैं, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मेरी टी टेबल है, वो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर, उसको कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वाली टी टेबल है, इसको चलने में दिक्कत आ रही है, फ्री मूवमेंट हो नहीं रहा है इसका, इसके व्हील जमीन पर रगड़ रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी हम देखते हैं इसको। इसके लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा और इसका व्हील को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस टेबल को पलट दिया है और अब मैं इसमें देखता हूँ कि इसके व्हील में क्या इश्यूज हैं। देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके अंदर ये व्हील के अंदर धागे वगैरह फंस गए हैं, बाल फंस गए हैं, जिसकी वजह से इसका ये फ्री मूवमेंट रहता नहीं है, जाम हो जाता है, टाइट चलता है। और वो टाइट चलने की वजह से उस व्हील जो है उसमें रगड़ता हुआ चलता है। इसके लिए हमें इसे क्लीन करना है, सारे थ्रेड्स वगैरह सब निकाल देने हैं, तो उसके बाद ये फ्री मूव करने लग जाएगा। देखिए, इसमें मैं फंसा हुआ कचरा निकाल रहा हूँ, बहुत इसमें बहुत कुछ फंसा पड़ा है अंदर। देखिए, धागे हैं, बाल है, इसकी वजह से ये व्हील जाम हो रहा था। देखिए दोस्तों, मैंने व्हील को क्लीन कर दिया है और इनका मूवमेंट अब थोड़ा फ्री हो गया है। सारे व्हील मैंने क्लीन कर दिए हैं चारों, अभी इजीली मूव कर रहे हैं। कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि इसमें किसी किसी व्हील के अंदर एक ब्रेक लगा रहता है, इसको लॉक करने के लिए अरेंजमेंट दिया रहता है कंपनी ने, तो जब ये अपने को ध्यान रहता नहीं है और ये ब्रेक लगा हुआ रह जाता है, तो ये व्हील घूमना बंद हो जाता है और अपन को लगता है कि ये जो है व्हील जाम हो रहा है। तो सबसे पहले आप उस ब्रेक को चेक कर लीजिए, ब्रेक फ्री है कि नहीं। अगर लॉक लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है, तो उसे फ्री हटा दीजिए और चेक कर लीजिए कि व्हील का फ्री मूवमेंट है कि नहीं। और ये भी एक चेक करने वाली चीज़ है इसमें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, कृपया आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भविष्य में भी आप ऐसे काम के यूजफुल वीडियोस मुझसे लेते रहिए। थैंक यू।